नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। जमशेदपुर के बागबेड़ा निवासी बेबी देवी ने अपने पति द्वारा दूसरी शादी रचाए जाने से दुखी होकर बुधवार को जिले के उपायुक्त से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला ने बताया कि उनकी शादी सिद्धगोड़ा निवासी राजू वर्मा से 13 वर्ष पूर्व हुई थी, जिससे उनके एक बेटा और एक बेटी भी है। शादी के कुछ दिन बाद से ही पूरे परिवार द्वारा दहेज लाने की बात कहकर प्रताड़ित किया जाता रहा है, साथ ही उसे जान से मारने की भी कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान महिला के पति राजू वर्मा द्वारा चोरी छिपे दूसरी शादी रचा ली गई। पीड़ित बेबी देवी का कहना है कि उनके सास ससुर और ननद के शहर पर ही उनके पति किसी दूसरी लड़की से शादी कर लिए हैं। इसमें उनके परिवार वालों का पूरा समर्थन है और वे समय समय पर उसे आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं। पीड़िता ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर पति और उनके ससुराल वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। कर ली मेरा जानकारी के बिना, मेरे दो बच्चे हैं और लॉकडाउन का फायदा उठा के शादी कर ली है और तो चलाते हैं, ना पैसा देते हैं ना कुछ करते हैं। अभी खाना खाने के लिए मेरे को बहुत देर हो गया। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत राहरगोड़ा निवासी सोना बनी बोदरा अपने रैयती जमीन पर स्थानीय भू माफियाओं द्वारा रंगदारी मांगने और निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने के संबंध में जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि परसुडी थाना अंतर्गत राहरगोड़ा में उनके पैतृक रैयती भूमि पर विगत कई वर्षों से शांतिपूर्ण ढंग से कृषि कार्य कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व उक्त जमीन पर चार दीवारी का निर्माण कार्य चालू करवाया गया, जिसके बाद कुछ स्थानीय दबंगों द्वारा निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया और 3 लाख रुपए की मांग करने लगा। नहीं देने पर महिला को जान से मारने की भी धमकी देने लगा, जिसे परेशान होकर पीड़िता ने बुधवार को जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई और भू माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मेरा नाम सोनमनी बोदरा है और पापा का नाम है बुधू हो है, रहते हैं राहड़गुड़ा में। जहाँ जमीन है हमारा बारीगुड़ा में है, खेती कर हम लोग किसान है, ऐसे पहले से ही जमींदार हम लोग और पूर्वज से खेती करते हैं, उसी से हम लोग का परिवार चलता है। अभी 1 महीना हुआ पापा एक्सपायर करके, तो अभी खेती बाड़ी करने जा रहे थे। दुबरा नाग और सुनीता नाग जो कि मुखिया है, वो बोलते हैं कि नहीं अभी खेती नहीं करना, पहले जो कर रहे थे कर रही है, अभी करना नहीं है, पहले पैसा 2-3 लाख रुपया। और अगल बगल खेती बाड़ी वाला लोग उनको भी बोल दिया, संजय देगम और तरुण देगम लखरम देगम है, उन लोग को साथ में बटोर के यहाँ मारपीट करने के लिए भेजा जा रहा है गुंडागर्दी का। अभी हम खेती करना चाह रहे सर, अभी धान भी निकल गया, अभी ट्रैक्टर भी चला लिए हैं खेती पे, बोलता है कि खेती उती नहीं करने देंगे, तुम जमीन छोड़ दो। अभी जान का डर है सर, इसलिए एसएसपी से हम लोग मिलना चाह रहे हैं और अपना जान माल का सुरक्षा किया जाए। पहले थाना को भी दे चुके हैं सर, कार्रवाई से कुछ नहीं हुआ। अभी थाना 1 सप्ताह का समय लिया है, तब तक खेती समय खत्म हो जाएगा ना सर। नाम नहीं बोल रहा है, क्रिमिनल है सर, पैपर हो चुका है, बोलता ऐसे भी मेरा हत्या का मामला है, गोली ठोक के निकल जाएगा। गाड़ी पार भी है जो ऐसे भी हम डरे हुए हैं, बोलता कि जान से मार दे। दिन भर की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।